शांति। आज की तारीख है 8/3/14 और आज कौन सा दिन है आप सभी जानते हैं। आज है विश्व महिला दिवस और हम सभी ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके और आकर के महिलाओं को ही उठाया है। बाबा कहते हैं नारी नरक का द्वार नहीं लेकिन नारी स्वर्ग का द्वार है और इसीलिए ही ज्ञान का कलश भी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा माताओं कन्याओं के ऊपर रखा और इन माताओं कन्याओं के द्वारा ज्ञानामृत की गंगा बहाई, जिस ज्ञानामृत को पी करके मनुष्य आत्माएं पतित से पावन भी बन रही हैं और इस नरक बने हुए संसार को स्वर्ग भी बना रही हैं। साथ साथ परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने जिस संस्था की स्थापना की, पहले ओम मंडली के नाम से कहलाई परंतु बाद में इसका नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो यह विश्वविद्यालय एक महिला प्रधान संस्था और विद्यालय ही रहा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक शाखा का और जो हेडक्वार्टर है इन सभी का संचालन जो है वो विशेष रूप से महिला ही कर रही है और इस प्रकार परमपिता परमात्मा ने महिलाओं को आगे रखते हुए, और वो भी उस समय जब इस संस्था की शुरुआत हुई तब तो नारियां घूंघटों में रहती थी लेकिन परमपिता परमात्मा ने उनको भी अपने हक दिलाए और हक दिलाकर उनको भी घूंघटों से बाहर निकालकर और समाज के बीच में लाया। तो आज हम विश्व महिला दिवस पर नारियों को उठाने वाले, नारियों की महिमा बढ़ाने वाले, नारियों को सम्मानित करने वाले, नारियों को देवियों का, देवी माताओं का स्वरूप दिलाकर उनको पूजनीय बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा की मुरली सुनते हैं। तो बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। प्रश्न है, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी उनकी मुख्य निशानी क्या होंगी? उत्तर है, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही इस युग में उत्तम पुरुष बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक है, बेहद का वैरागी बन जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वो सब भूलना है और एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। नंबर दो है, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट झंक नहीं लगती, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्ट धारी का एक्यूरेट पार्ट है, तो इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। वरदान है आज का, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विथ ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो, अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो
जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। स्लोगन है, स्वकल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ तब विश्व में सकाश मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। और जो भी भारत की तथा विश्व की नारियां हैं उन सभी को आज का यह विश्व नारी दिवस बहुत बहुत मुबारक हो और उसकी बधाई हो, बधाई हो और मुबारक हो। और हमारे भाइयों से भी हमारा यह नम्र निवेदन है कि आप भी, चाहे आपके घर के अंदर नारी है चाहे घर के बाहर, जहां भी जो भी नारी है उनको आप सदैव सम्मानित करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। ओम शांति।